बाजरी चाबा इचडे इन चाबा। भाई आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज होंगी बहुत सारी सच्ची बातें और जितने भी शादीशुदा हजरात हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे इस व्लॉग को देखने के बाद कि बेगमें जब भी कहें ना कि यार मुझे फ़लानी चीज़ लेने जानी है और हमारा मिनिमम इतना ख़र्चा होगा तो आप समझ जाएं कि चीज़ें जो है उससे डबल आने वाली हैं तो ख़र्चा भी डबल होने वाला है और जो एस्टिमेटेड टाइम बताएंगी वो उससे भी डबल टाइम लगेगा। ये बात हर कोई जानता है लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे गैर शादीशुदा हजरात भी हैं उनको इन चीज़ों से एक्सपीरियंस मिलेगा और तफरी भी बहुत आएगी। तो फिर देर नहीं लगाते चलते हैं। यार जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मल्टीपल चीज़ें ज़रूर लेंगे अभी हमारे घर वाले, तो मैं ऐसी जगह लेकर आया हूँ उसका नाम है रुबास और यहाँ पे आप समझेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो ज़रा चीज़ें चेक करें यहाँ की। यार मुझे बताया गया था कि भाई बच्चों के कपड़े लेने हैं और क्रॉकरी लेनी है, पर ना तो ये बच्चों के कपड़े ना क्रॉकरी है, ये तो बेडशीट है। कहा था ना मैंने ऐसा ही होगा। भाई अभी आपके भाई ने बेगम से पूछा था कि भाई कितने तक की शॉपिंग हो सकती है, एक अंदाजन तो बता दो। तो उसने कहा मेरे हिसाब से 10,000 में हो जाएगा, लेकिन भाई मैंने दिमाग बनाया 20,000 का। अब उसमें से अगर कोई बचत हो जाती है ना तो मेरा एडवांटेज है फिर वो। जी क्या चाहिए? अरे भाई लड़कियों का होता ही ये, वापस रखो। अभी ना यही मना करते रहो बस। भाई बात दरअसल ये है कि अगर ख़र्चा होना ही है तो आपका भाई भी अपने लिए थोड़ा सा खर्चा कर ले। और आपने देखा होगा मुझे वीडियोस में जितनी भी मैं टी शर्ट्स पहनता हूँ ना ऑलमोस्ट मैंने यहीं से ली हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। चेक कराते हैं आपको जेंट्स वैरायटी। यार एक ये भी मसला होता है, मैं अभी सारी चीज़ों में साथ था, फलानी क्रॉकरी ले लेते हैं, ये कैसा लग रहा है, अब मेरी बारी आई ना तो बेगम गायब है, खो गई है। हिबा तुम बताओ कैसी लग रही है ये? अच्छी लग रही है, ले लूँ? डन हो गया। यार एक जैकेट हो गई, एक टी शर्ट हो गई, हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। लेडीज़ की तरह नहीं है, ये भी ले लें वो भी ले लें। खैर भाई यहाँ पे तकरीबन जेंट्स की सारी वैरायटी मौजूद है जिसमें अंडर गारमेंट से लेके जैकेट से लेके जीन्स से लेके शूज़ से लेके सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं बेगम क्या कर रही है। यार जब बेगम ने भी चीज़ें ले ली हैं, अम्मी के लिए भी आ गई हैं, मैंने भी ले ली हैं, तो बच्चों का क्या कसूर है भाई, इनको भी टॉय दिला देते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चे मुझे सुनाएंगे पाक सर जमीन और जो सही सुनाएगा उसको अच्छे से अच्छा टॉय मिलेगा। ठीक है हिबा? ओके। 1 2 3 रेडी। पाक सर जमीन शाद बात, शीशा रे शीशाद बात, तूने शाने इसमें अनिशान अर्दे पाकिस्तान सारे सही है। गुड हो गया, इतना तो इतना ही सही है भाई, इतना ही सही है। अब आएगा नंबर वन बच्चा अहमद। बाजरी चाबा इचडे इन चाबा, चले चल चले चा चल इतना बस चले इतना कोला बस। सही है भाई, गुड हो गया। हमारे पास तमाम इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, तमाम ब्रांड्स के मौजूद हैं जिसमें खड़ी, अलकरम, गुल अहमद और क्रॉस स्टिच, मारिया बी,
सारे तकरीबन ब्रांड्स हमारे पास मौजूद है अनस्टिच में, और उन अनस्टिच सूट्स को हमने स्टिच करवा लिया है सारे बुती के स्टैंडर्ड के ऊपर, बहुत मुनासिब कीमत में मौजूद है हमारे पास। यार सारी बातें एक तरफ, लेकिन अगर फैमिली को शॉपिंग कराने लेकर आओ, बच्चे भी खुश हो जाएं, बेगम भी खुश हो जाए, अम्मी भी खुश हो जाए, तो फीलिंग ही अलग होती है। हाँ वो अलग बात है, बेगम ने 10,000 का कहा था लेकिन 14,500 रुपये का सामान लिया है। खैर वो ये कभी कभार चलता है। खैर रुबास के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बता दूँ, अगर आप डिस्को मोड़ से यूपी मोड़ की तरफ जा रहे हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पर रुबास का ये स्टोर मिलेगा, जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपने देख ही लिया, तकरीबन हर वेराइटी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, मैं तो यहीं से शॉपिंग करता हूँ, आप लोग भी ज़रूर आएँ। इम्पोर्टेड चीज़ें भी हैं और एक्सपोर्टेड चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू, मिलेंगे नए व्लॉग में। चलो बच्चों।